हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ अब देख रहे क्या है कि चंद। तो कैसे आप सभी लोग, आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन बर्रा की रेसिपी। बर्रा कबाब हम बनाएंगे, बहुत ही इसी तरीके से बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लाजवाब होते हैं। तो करना यह है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वॉच करना है, क्योंकि कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। और उसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके आप लोगों को। देखिए कितने ज़्यादा जूसी यहाँ पे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर मटन लिया है, मटन चाप जो होता है ना वो लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मटन में भी इसे बना सकते हैं, मतलब कि जो गोश होता है ना उसमें भी बना सकते हैं, वो चाहे मटन हो या बकरे का हो या तो बीफ का हो। तो इसे हमें बॉईल करना होगा सबसे पहले। अगर आपको चिकन में बनाना हो तो इसे बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैरिनेट करना होगा। एक कुकर में मैंने ऐड कर दिया है इसे, और थोड़ा सा एक गिलास ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसका अपना पानी बहुत सारा रिलीज़ होगा, उसी में ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा। इस पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के जाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम मसाले में भी डालने वाले हैं बाद में मैरिनेट करते वक्त। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, मतलब कि धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून भर के। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें बॉईल करना होगा। तो पूरी तरीके से इसे बॉईल नहीं करेंगे, 90% ही बॉईल करना होगा, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये बोन से छूट जाएगा गोश्त इसका। तो कुकर का ढक्कन बंद करके मैं स्टार्टिंग में 2 सीटी लूँगी, फिर फ्लेम को बंद लो करके 5 मिनट तक इसे गलाऊंगी। अब यहाँ पर ना एक बाउल मैंने लिया है, इसमें हम मसाला रेडी करेंगे मैरिनेशन का। तो दही मैंने ऐड कर दिया है 250 ग्राम, मतलब कि 1/2 केजी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भर के जाएगा, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है मटन मसाला, जो कि कोई भी किराना शॉप में इजीली मिल जाता है, वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है। और एक फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे, जिस और घर में जो अवेलेबल होते हैं ना मसाले, वही हम इस्तेमाल करेंगे, बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मटन मसाला जो होता है ना उसमें गरम मसाला पाउडर भी होता है, इसके लिए मैंने नहीं डाला है। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ईजी रेसिपी है, फटाफट ये बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया, चिकन में आप इसे बना रहे हो तो डायरेक्टली ये मसाला आप बना दीजिएगा और मैरिनेट करना है। थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऑरेंज वाला इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून ऐड करके मिक्स कर लिया है फिर से सब चीज़ों को। आप चाहे तो कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तंदूरी कलर आता है रेड वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिकन बना रहे तो तंदूरी कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूड कलर ऑरेंज वाला जलेबी का रंग इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो गोश्त है ना हमारा बॉयल हो चुका था, तो देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, पानी भी बहुत सारा रिलीज हुआ है इसमें से, तो ये आप लोगों को सूप के तौर पर आप इसे पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप बनाने के लिए भी काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए 90% ही मैंने इसे बॉईल किया है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई भी करना होगा, तो इसी तरीके का हमें चाहिए। अब यहाँ पे चॉप्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पे मसाला भी रेडी है, तो हमें करना है इसे मैरिनेट। तो एक एक हम चॉप्स लेंगे मटन चॉप्स, इस तरीके से हम डिप करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से मसाला लग जाता है, कोटिंग अच्छे से होती है मसाले की। तो जितने भी चॉप्स हैं ना सबको मैं इसी तरीके से डिप कर लूँगी मसाले में और मैरिनेट करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना है। आप लोग कॉमेंट नहीं करते हो, कॉमेंट करने से मुझे ना मतलब मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। आपको पसंद आ रही या नहीं मुझे पता नहीं लगता है ना, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए अब आधा घंटा मेरा हो चुका था, अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। मैंने फ्राई पैन में ऑयल पहले से गर्म होने के लिए डाल दिया था, ऑयल जैसे गर्म होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडे ऑयल में से नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, मीडियम होना चाहिए इसका टेम्परेचर। तो एक एक चॉप्स को हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे स्पेस रखकर हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने 5 मिनट इसे पकाया, मतलब फ्राई कर लिया। एक साइड से जब हो जाएगा ना गोल्डन कलर आएगा हल्का सा, तो इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हमें फ्राई करना होगा। साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, जूसी यहाँ पे बर्रा कबाब बनके मेरे रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कबाब हैं सबको मैं निकालूंगी, और आप इसे ट्राई करना है तो ऐसे ही करना है, रोटी या चपाती के साथ इसे नहीं खाया जाता है, स्टार्टर के तौर पर इसे ट्राई किया जाता है।